करता हूँ शाह साहब का और बाकी मेहमानों का और आप सब लोगों का कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और ये मौका दिया यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ, मैं पिछले जितनी मेहनत इस लड़के ने की है, निशाद साहब ने किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोग हैं जो इतनी मेहनत करते हैं। क्योंकि जब ये छोटा था, मतलब आज से 22-23 साल पहले, ये तो छोटा सा लड़का ही था, अभी भी छोटा है खैर, तो जब ये मेरे पास आता था वहाँ फैक्ट्री में ना, तो मैंने कहा बता दो सर, मैंने पूछा शायद ये तुम कहाँ के रहने वाले हो, कहते पास में यहाँ पे एक जगह है, मैंने छोटी सी जगह ली हुई है किराए पे, मैं यहाँ रहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो इसके पास साइकिल भी नहीं था, ठीक है इसके पास साइकिल भी नहीं था, फिर मैंने इसको साइकिल के पैसे दिए, मैंने कहा साइकिल खरीदो ताकि इस पर काम शुरू करो। तो कहने का मकसद ये, जब इंसान मेहनत करता है ना तो यहाँ तक पहुँचता है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। और आज जो आप लोगों ने ये सारा माशाल्लाह जितने सारे खूबसूरत चेहरे नज़र आ रहे हैं, सब ने एक जैसे ड्रेस पहना हुआ है, मैं सबको जानता हूँ यहाँ पे जितने भी हैं, तो बड़ी खुशी हुई यहाँ पे ये सारा कुछ देख के। मुख्तसर सी बात ये करूँगा कि अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है इस चीज़ के लिए कि मेरा कि आप इस दुनिया में सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कि आप जाके वहाँ पे पैसे कमाओ, ठीक है, यहाँ पे हमें भेजा गया है हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिसकी वजह से कायनात कायम है, जिसकी वजह से कायनात कायम है, क्योंकि हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी है वो आखिरी नबी है, उसके बाद कोई नबी नहीं आना। और उस नबी का काम क्या था कि लोगों तक ये दीन पहुंचाना, और हमारा काम क्या है कि लोगों तक ये दीन पहुंचाना। तो मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो नबियों वाला काम कर रहे हैं, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में ये कहा था, आखिरी खुतबे में सारे सहाबा से पूछ के कि क्या मैंने आप तक ये दीन पहुँचाया, तो सारे सहाबा ने एक ही जुबान बोल के कहा कि पहुँचाया नहीं बल्कि पूरा हक अदा किया है। तो उसके बाद सहाबा सारी दुनिया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन जाके मेरे गाइबीन तक पहुँचा दे। तो उसके बाद सहाबा की मेहनत के बाद फिर हम तक ये दीन आया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक कलमा पढ़ा। आप उस आदमी से पूछे जो गैर मुस्लिम है, जिसको एक कलमा आता नहीं है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने हमें एक मुसलमान घर में पैदा किया। क्योंकि अगर ये देखें, ये मेरे हाथ में मोबाइल है, ये गोरे ने बनाया है, ये गैर मुस्लिम आदमी ने बनाया है, लेकिन इसी गैर मुस्लिम आदमी ने आखिरत में आपसे पूछना है कि ए मुसलमान, तुम्हें तो मैंने अपनी टेक्नोलॉजी दी, अपना इलम दिया, अपने सारे हुनर दिए, तुमने मुझ तक कलमा नहीं पहुँचा है, क्यों? ये हमारे गरीबान में पकड़ेंगे ये गैर मुस्लिम हमें। इसलिए हम पे फर्ज है कि हम जगह जगह जाएं और ये तबलीग करें और ये दावत दें लोगों को, गैर मुस्लिम को भी, हर एक को, कि भाई कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ, और जो मुसलमान है उसको बताएं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज हम पे फर्ज है। सिर्फ ये नहीं है कि हम दुनिया में आए दौलत कमाएं और दीन का काम ना करें, नहीं भाई साहब, हम पे जो फर्ज है वो दीन है, ताकि दीन हर गली गली में, हर कुचे में पहुँचाए, हर मोहल्ले में पहुँचाए, और हर बच्चा हर बूढ़ा हर जवान सारे 5 वक्त का नमाजी बन जाए। ये फिक्र होनी चाहिए हमारी, क्योंकि जब नमाज पढ़ेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। और सबसे ज़रूरी पता क्या है, एक मेरा दोस्त था, वो कहता है यार मैं नमाज में बड़ा सुस्त हूँ। मैंने कहा नमाज में सुस्त है तो आप ना वज़ू में रहा करें, क्योंकि एक सहाबा एक आदमी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और फरमाया कि या रसूलल्लाह मैं नमाज में बड़ी सुस्ती करता हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू में रहा करो, वज़ू में रहा करो। जब वो वज़ू में रहता था तो वो फिर नमाज ही शुरू कर दी उसने। जब आदमी वज़ू में रहता है, बावज़ू रहता है, तो उसको नमाज पढ़ना आसान हो जाता है। और नमाज में कितना टाइम लगता है, 5 मिनट। 24 घंटे की ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज के लिए आप 30 मिनट निकाल लिया करें, ईमान से
وہ کام پورا ہوگا. اور جو نماز میں سکون ہے, کیونکہ انسان کے دو چیزیں انسان کے پاس جڑی ہوئی ہیں, ایک ہے بدن اور ایک ہے روح. روح کو زندہ کرنے کے لیے انسان کو عبادت کی ضرورت ہے, ایسا ہے کہ نہیں؟ اور بدن کو زندہ رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے. ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمارا روح جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا, کیونکہ نماز نہیں پڑھتے, عبادت نہیں کرتے, ذکر نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے ہمیں بے چینی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے, پیسہ سب کچھ ہے لیکن خوش نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ روح زندہ نہیں ہے. اور روح کسی سے زندہ ہوتی ہے؟ وہ ذکر سے, وہ عبادت سے, وہ اسی سے زندہ ہوتی ہے. تو خیر میں مختصر سی بات کروں گا, ایک جنازہ ہے, میں نے اس پہ بھی جانا ہے. تو ایک دفعہ پھر آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ, اور اسپیشلی ارشاد صاحب کا, ڈی سی او صاحب, آپ صاحب کا, آپ کا, رانا صاحب, آپ کا, سارے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں ان سب کا میں بہت اپنے دل سے ان کو شکریہ ادا پیش کرتا ہوں. اور جتنے میری بہنیں آئی ہیں ان سب کا, جتنے میرے بھائی آئے ہیں ان سب کا بہت شکریہ ایک دفعہ پھر. اور ارشاد, ماشاء اللہ, اللہ آپ کو کامیاب رکھے, آپ سب کو. تھینک یو جی. اس کے بعد میں ہدیہ دار کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد حمزہ اویسی صاحب. محمد حمزہ اویسی کے قلیل وقت میں آپ اپنی حاضری لگوائیں. محمد حمزہ اویسی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب مل کے درود شکیل سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں زہرہ کے بابا سنتے ہیں, مل کے پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیک یا میرے پیر دیئے
जजाकअल्लाह माशाल्लाह हमजा वैसी साहब से। अब मैं दावत दे रहा हूँ हमारी परवार राजपूत फैमिली कबीले के मरकजी सदर राणा जाहिद अशरफ यूसी साहब को आए स्टेज पे और अपने ख्याल का इजहार करें। खाने का इंतजाम है, कोई भी अभी ना जाए, खाने का सबके लिए इंतजाम किया हुआ है, कोई भी अभी अपनी सीट से ना उठे। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। मुअज्जज मेहमानों ने ग्रामी मुअज्जज खवातीनों हजरात, मेरे राना बरादरान, मेरी माओ बेटियों और बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। आज का दिन हमारी ज़िंदगी का आला दिन है। हम अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में अपनी ज़ाती खुशियों और गमों में खोए रहते हैं, लेकिन आज हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ में कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हाज़िर हुए हैं। आज हम हुज़ूर का मिलाद मनाने के लिए हाज़िर हुए हैं। जो वजह है कायनात है, इरशाद रूहानी है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैंने आपको पैदा ना करना होता तो मैं ये दुनिया ही ना बनाता। मुअज्जज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम हुज़ूर के मिलाद में अपनी अपनी हाज़िरी के लिए हाज़िर हुए हैं। अल्लाह पाक हमारी इस हाज़िरी को कबूल व मंज़ूर फरमाए। हुज़ूर की वलादत व बासादत हुई, इस दिन अल्लाह पाक ने सब माओं को बेटों से नवाजा। सुबहानअल्लाह, अल्लाह पाक ही की फजीलत और बड़ाई और सना हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनायतों को गिनवाना इंसानों और फरिश्तों की बात के बस की बात नहीं। हज़रत अल्लामा इकबाल ने क्या खूब फरमाया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। मुअज्जज़ ख़वातीन व हज़रात, हुज़ूर के मिलाद के मौके पर कुछ बोलने के लिए इंसान को कई ज़िंदगियां भी कम हैं। जनाब मोहम्मद आज़म चिश्ती मरहूम ने अपनी एक नात में क्या खूब लिखा है, ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। प्यारे सामईन, हमें चाहिए कि हम अपने ज़िंदगियों को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबे होकर गुजारें। मेरे जैसे किसी तालिब इल्म ने किसी उस्ताद से पूछा, रोज़े महशर अल्लाह पाक किस चीज़ का हिसाब लेंगे? तो उस्ताद साहब ने फरमाया, जनाब मेहमान कदर, हिसाब होगा हमारी अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारने का, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वालों का हिसाब कैसा। मुअज्जज़ ख़वातीन व हज़रात, हमें चाहिए कि हम इखलाकी किरदार से अपने आप को अच्छा मुसलमान साबित करें। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का फैसला हम अपने किरदार से साबित करें। किरदार अच्छा है तो बाकी तमाम चीज़ें भी अच्छी होंगी। अपने घरों में बीवियों, बच्चों और ख़ानदान को अपने किरदार से अच्छा शोहर, अच्छा बाप, अच्छा भाई और अच्छा बेटा साबित करें। वालदैन की फर्मा बरदारी, बीवी से प्यार और बच्चों से शफकत और ख़ानदान से सिला रहमी से पेश आएँ। ये आज हम ख़ानदान इकट्ठा हुए हुए सिला रहमी करने से हमारी ज़िंदगी और रिज़्क में अल्लाह ताला इजाफा करते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा सदका अपनी बीवी बच्चों पर खर्च करना है।
फिर बहन भाई जब साया, फिर मल्ला शहर और फिर मुरत। मुअज्जम साबईन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान मुअज्जम मेरा महीना है, जबकि रमजान और मुबारक जो आने वाला है अल्लाह पाक का पाक महीना है। शबान का मतलब पाक करने वाला और रमजान का मतलब गुनाहों को माफ करने वाला, यानी सबब है। मुअज्जज़ ख़वातीनो हज़रात और मेरे प्यारे पनवार फैमिली के नौजवानों, बहनों, बेटियों, इस मुबारक मौके पर एक ख़ास बात आपसे कहना चाहता हूँ। ऐ मेरे मेरे प्यारे साथियों और मेरी बरादरी के लोगों, पाकिस्तान की कदर करो। ये पाकिस्तान 3 लाख माओ, बहनों, बेटियों, बच्चों और बूढ़ों की बेमिसाल कुर्बानी के बाद हासिल किया गया है। आज़ादी की कदर जाननी है तो कश्मीर, फलस्तीन, बोस्निया, बर्मा जैसे ममालिक को देखें, आपको आज़ादी की कदर मालूम हो जाएगी। जहां जिंदा ख़वातीन मर्दों और बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है और वहशियाना तरीके से कत्ल किया जा रहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस अलहमरा हाल नंबर 3 में शायद कोई ऐसा फर्द भी बैठा हो जिन्होंने 1947 में पाकिस्तान को बनते देखा हो। क्या मनाजर थे, एक क्यामत की घड़ी थी। मैंने 1965 की पाक भारत जंग अपनी आंखों से मनाजर देखे हैं जब मैं 10 साल का बच्चा था। ये वैसे ही मनाजर थे जो 1947 में पाकिस्तान को बनते हुए देखे गए। बराए मेहरबानी पाकिस्तान से प्यार करें। इस मुल्क को बनाया कायदे आजम मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह ने, लियाकत अली खान, मौलाना मोहम्मद अली जोहर चौधरी रहमत अली, अब्दुल रब नश्तर, मोहतरमा फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह और बेशुमार साथियों और लाखों इंसानों ने इस मुल्क को बचाया। अल्लाह और इसके रसूल के बाद पाक फौज ने, पाक फौज को सलाम और इसके साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अर्ज कर रहा था कि इस मुल्क को कायदे आजम जैसे लीडरों ने बनाया और इसको बचाया पाक फौज ने। मैं पाक फौज को सलाम के साथ साथ पाकिस्तान पुलिस और वो तमाम फोर्सेस जो पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने में कोशिश हैं, मैं बसीयत सदर पनवार राजपूत मुसीदा पाकिस्तान पाक फौज समेत सबको सलाम और सलूट पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पनवार राजपूत जिंदाबाद, अल्लाह हम सब का हामी नासिर। शुक्रिया। माशाल्लाह जी, ये थे हमारे मसी सदर। और आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह जो ये सआदत की घड़ी है, ये जो सआदत के लम्हात हैं, माशाल्लाह ये हमारी पूरी फैमिली, हमारे पूरे कबीले के लिए खुशकिस्मती है। और इसके रुए रवान जो हैं, जो इस ये महफिल से जाने वाले हैं, ये रोशनियाँ बिखेरने वाले हैं, राणा इरशाद साहब हैं, कि उन्होंने उस जगह पे हमें इकट्ठा कर दिया है, उस जगह पे ले आए हैं जहाँ से डायरेक्ट हमारा रास्ता आका दो जहां रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। सादतों की बात करें, सदकात की बात करें, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सादतें हैं, तो मैं पूरी बरादरी को, पूरे कबीले को ये खुशखबरी देने लगा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमने देखा है कि इस दफा जो हमने हाल लिया है वो छोटा पड़ गया है। हमें नहीं था कि इतने लोग आएंगे, कि उसमें एक तो गर्मी की वजह थी, दूसरा पीटीआई का जलसा भी था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला
हम अगले साल अपने सरपरस्ते आला से दरख्वास्त करेंगे कि ये हाल जो है हमारी बरादरी कबीले के लिए छोटा है, लिहाजा अब हम हाल नंबर एक जिसमें 700 सीट है इंशाल्लाह ताला वो बुक करवाएंगे और साथ कोशिश करेंगे कि एक उम्रे का टिकट भी हो इंशाल्लाह ताला। हमारी ये कोशिश होगी पूरी बरादरी की, पूरी मरकजी पार्टी की, कि एक तो हम जो हाल है महफिल मिलाद के लिए वो इससे बड़ा बुक करवाएंगे और दूसरा ये है कि एक उम्रे की टिकट का भी इंशाल्लाह ताला ऐलान करेंगे। तो इसके बाद मैं दावा देता हूँ अल्लाह नवाज साहब के वो आए और अपने कलील वक्त में हाजिरी लगवाएं। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو ہم سب جس اجتماع میں یہاں پر تشریف فرما ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانفرنس جو کہ علی ہمرا حال میں منعقد پذیر ہے تو میری جو تقریر کا موضوع وہ علم دین کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری قوم ہماری برادری بہت ہی کم ظرفی کا شکار ہے اور کم علمی کا شکار ہے اور ہم نے اپنی برادری کو اوپر لے کر آنا ہے تو اس کے لیے جو سب سے اہم اور جو سب سے فضیلت والا کام ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب اپنے بچوں کو اپنے بیٹوں کو اپنی بہنوں کو قرآن کریم احادیث مبارکہ کی تعلیم سے بہرہ کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو دین اسلام کی تعلیم سے آگاہ کریں تاکہ اس دین اسلام کی برکت سے ہماری آنے والی زندگی اور آخرت کی زندگی بہتر ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں مہر النساء ہیں انہوں نے نعت پڑھنی ہے مہر النساء وہ آ رہا ہے جی اس طرف ہی آ رہا ہے اس طرف ہی آ رہا مائک مائک اس طرف ہی آ رہا ہے کہ کم وقت میں جو ہے نا بہت قلیل وقت میں اپنے حاضری لگوانی ہے مہر النساء مجھے آج جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان عطایت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دراصل عطایت الہی ہے۔ عجب کیف ہے عشق مصطفیٰ کی مستی میں، عجب کیف ہے عشق مصطفیٰ کی مستی میں، میرے ایمان کی بستی اسی سے بستی ہے۔ یہ میری ضد نہیں وحدت کا حکم ہے، یہ میری ضد نہیں وحدت کا حکم ہے، مصطفیٰ نہیں تو عبادت بھی بت پرستی ہے۔ جناب صدر پرانی آیات اور احادیث سے ہمیں یہ بات واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی قربت محبت اور فضیلت عطا فرمائی جو آج تک دنیا میں کسی کو نہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں قرآن مجید میں اپنی عطایت کا حکم دیا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطایت کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کا خالق و مالک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے
लोहो कलम तेरे हैं, क्या लोहो कलम तेरे हैं। जनाबे सदर कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह ताला को राजी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है। लोगों अल्लाह ताला को राजी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है। जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है मेरे प्यारे अल्लाह, आपने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया, हजरत मूसा को खलील बनाया, हजरत मूसा हजरत सुलेमान को ताबे अकबर का हम दिया, हजरत ईसा के लिए मुर्दा जिंदा करके दिया, है मेरे प्यारे अल्लाह आपने मुझे क्या दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, है मेरे प्यारे महबूब, मैंने आपको वो दिया जो दुनिया में आपसे किसी को ना अता किया, जो दुनिया में आज तक किसी को ना अता किया, कि आपका और मेरा नाम दुनिया तक इकट्ठा रहेगा, कि आपका और मेरा नाम कयामत तक इकट्ठा रहेगा, कभी अलग नहीं हो सकता। इश्क इश्क तो सब कहते हैं, इश्क इश्क तो सब कहते हैं, आशिक फिदा कोई नहीं, आशिक तो खुदा है जो मोहब्बत से जुदा ही नहीं। जनाबे सदर जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह जी। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गो, मैं राणा सूफी अल्लाह दिता और राजपूत मुझे चाहे पाकिस्तान का खादम और नौकर, सबसे पहले सब तरीफे अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते और दरूद पाक नबी पाक साहब नौलाद मदीने के ताजदार आपके आका व मौला के वास्ते। उसके बाद मैंने एक आयत मुबारक का एक छोटा सा जुज तलावत किया, आपने उसको समाप्त किया मेरे पढ़ने की सादत। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, तकना तू मेरी रहमत ना, मेरी रहमत से मायूस ना हो। मेरे दोस्तों और साथियों, मैं सबसे पहले आप सब साथियों को अपनी इस्लामी बेटियों बहनों को सलाम अर्ज करता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि बोर कबीला, बोर साथ, बोर खनवादा है, जो आज से हजारों साल पहले भी इंसानियत की खिदमत करता था, आज भी हजूर का प्रचार करता है। जब तक वक्त भी है मुस्तफा ना हो गई तो हम काम शादी की दलील मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती, अहले पाकिस्तान की बहाली, कानून पाकिस्तान की बाला दस्ती इसी में है, मुस्तफा से मोहब्बत है। मैं पवार राजपूत मुतहद्दिद पाकिस्तान के कौंसल से ये पैगाम देना चाहता हूँ, पूरी दुनिया ने बोल के पाकिस्तान वो कितना है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है, यार मुस्तफा का जिक्र कयामत तक होता रहे। और उन बदबख्तों को पवार राजपूत मुतहद्दिद पाकिस्तान की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ, जो मेरी आंख से मुल्क पाकिस्तान को देखते हो, हम उनकी आंखें पवार राजपूत मुतहद्दिद पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आंखें फोड़ देगा। हम हजूर के गुलाम, बैतुल पाक के गुलाम, लश्कर हुसैनी के सरबराह और कैद राणा मोहम्मद अशरफ यूसुफी की निगरानी में और सरपरस्त आला राणा इरशाद की क्यादत में और हमारे बुजुर्ग राणा मोहम्मद रफीक की क्यादत में ये
پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، یا محمد مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ اس کے لیے اگر ضرورت پڑی تو پوار راجپوت بدیتا ہے پاکستان کا بچہ بچہ اس مٹی کے ذرے ذرے پر قربان ہو جائے گا۔ ہم ان کے پاکستان پیار کرتی ہے، یہاں پورے پاکستان سے نمائندگان بیٹھے ہیں، ہم نے ان کو منت میں شہادت کر کے روکا تھا، 15,000 کی تعداد میں آپ جنگ غفیر جمع ہوگا۔ یہ ملک پاکستان کے غیور قوم کے غیور قبیلہ ہے، یہ وہ خانوادہ ہے جو ملک پاکستان کی وفاداریوں کا مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ملک پاکستان میں بسنے والوں کو جہاں بھی پسماندگی ہوگی، جہاں بھی ظلم و ستم ہوگا، پوار راجپوت مدعا پاکستان آواز بلند کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں تمام ضلعی صدور، تمام صوبائی صدور اور یوسعی صدور اور ارکان کارکنان رفقا بچے اسلامی بیٹیوں اسلامی بہنوں اور تمام تر جن کو آج باری نہیں ملی، میں ان سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور ان سے معافی کا طلبگار ہوں۔ دل برداشت نہ ہو کہنا چاہیے گا میں آپ سب کی ترجمانی کے لیے کھڑا ہوں۔ صوفی گھر گھر میں پیدا ہوگا، گھر گھر سے ایک آواز اٹھے گی، پوار راجپوت زندہ باد، ملک پاکستان زندہ باد۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، یہ جو سیکورٹی والے ہیں پلیز یہ راستہ خالی کروائیں، یہ جو میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں پلیز آپ سیٹوں پہ آ جائیں، یہ راستہ صاف کرنا ہے، پلیز پلیز یہ راستہ صاف کر لیں، یہ جو لوگ میرے بھائی کھڑے ہیں ادھر سے عورتوں نے گزرنا ہے، ابھی دعا ہونی ہے، مرد حضرات بیٹھے رہیں گے، عورتیں صرف اٹھیں گی، وہ پہلے نکلیں گی، وہ لنگر باہر سے ملے گا، جب وہ عورتیں ختم ہو جائیں گی پھر مرد حضرات نے اپنی سیٹوں سے اٹھنا ہے، پلیز یہ رستہ صاف کر دیں۔ سیکیورٹی میجر ہیں وہ سب سے پہلے باہر نکلیں گی، اور وہ خود ہر ایک لیڈیز کو ہر ایک یہ ہے کہ یہاں پہ صبح سے جو سیکیورٹیز کام کر رہی ہیں ہم نے ان کے لیے انعام رکھا ہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ عورتوں کی جو کنٹرولر تھیں وہ نسیم صاحب تھیں، ان کے لیے ہم نے انعام رکھا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی افطار پارٹی ہم کر رہے ہیں ان میں ان کو انعام دیا جائے گا۔ مردوں میں جو جنہوں نے کام کیا ہے ان کا بھی انعام ہے، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور ابھی بیٹھے رہے، ابھی دعا ہونی ہے، ابھی بیٹھے رہے یہاں پہ، ابھی دعا ہونی ہے، دعا ہونے کے بعد پلیز کوئی بھی مرد اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا جب تک عورتیں ساری باہر نہیں نکل جاتی۔ جناب اس کے ساتھ ہی میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سب ساتھیوں کے توسل سے رانا آفتاب صاحب کو توار راجپوت مدعا پاکستان کا پگ مبارک پیش کر رہے ہیں، جو سودرا میں ظلم و ستم کے خلاف توار راجپوت مدعا پاکستان کی طرف سے انہوں نے ایک کردار ادا کیا ہے، ہم اس کی کارکردگی پر سرپرست اعلیٰ یوسفی کی طرف سے اور چیئرمین محمد رفیق طرف کی طرف سے میں ان کو امامہ پیش کر رہا ہوں، وہ ان کو امامہ بنائے بنوائے اور ان کو عزت و تقدیر سے نوازے کہ یہ قوم اور ملت کے ہیرو ہیں۔ یہ دعا کے لیے آجل زہیل آئے جی صاحب، بڑے زہیل صاحب دو شعر صرف یا نبی سلام سلام علیکہ سلام علیکہ
Come on,
ले जा पकड़ के।